टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर वन एक्सरसाइज वन ऑफ चैप्टर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फ्रॉम एस्टन्स फॉर क्लास 10th फॉर आईसीएसई। दिस इज द लेक्चर नंबर टू ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट फाइव सम्स किए थे। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सिक्स। हियर यस आदित्या यस सर। दिस वन द सेल्स प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इज ₹28,320। द सेल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इज दिस वन। इफ द एसजीएसटी इज चार्ज एट द रेट ऑफ 9%, एसजीएसटी मीन्स आदित्य सर एसजीएसटी मीन सर सर ये इंट्रा है। दैट मीन्स नो नॉट इंट्रा, इसका मतलब है स्टेट शेयर, यस सर। एस मतलब स्टेट का जीएसटी 9%। तो ओवरऑल जीएसटी कितने परसेंट होगा? 9 to 18। 18% इज द ओवरऑल जीएसटी ऑफ द लिस्ट प्राइस। फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, दैट इज सो इजी। तो यस सर। यहां पे सबसे पहले लेट लिस्ट प्राइस इज रुपी एक्स, एस जी एस टी इज गिवन 9%, तो टोटल जीएसटी बिकम्स 2 × 9, दैट इज 18%। नाउ सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में डाल देना, किसके इक्वल गिवन है हमें? 28,320 रुपीज। व्हाट वी कैन डू हियर? सर यहाँ पे सर सर 28,380 प्लस सर एटीन नो परसेंट का बच्चे, वो नो 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 नो, ये इंक्लूड है ना बेटा जीएसटी, तो यस दिस आर सर। सेलिंग प्राइस ना। सेलिंग प्राइस किसके इक्वल? लिस्ट प्राइस प्लस 18% ऑफ लिस्ट प्राइस, जीएसटी इंक्लूड कर दिया ना, यस सर। इज इक्वल टू दिस। लिस्ट प्राइस वी हैव टेकन एज एक्स प्लस 18 अपॉन 100 इंटू एक्स 28,320 28,320। अंडरस्टूड आदित्या? यस सर। नाउ हियर एक्स इज कॉमन, व्हाट वी गेट? 100 इज द एलसीएम। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट मार दिया, थोड़ा सा एक स्टेप खा गया। पहले आप सर कॉमन लेके कर देना, उसके बाद एलसीएम लेना है। क्या? इसकी सर एक ट्रिक मैंने सर यूट्यूब पे देखी थी सर, वो सही है सर। सर सर इसको सर 18x/100 लेके सर 100 100 वन को सर हंड्रेड वहां एटीन परसेंट वन यस हंड्रेड सर। एटीन बच्चे नो सर सर वहां पे नहीं सर, सेकंड सर उसके नीचे वाले स्टेप में सर क्या 18x/100 लेके सर 100 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर सर उसमें ऐड कर देंगे, जैसे सर हम मिसडायरेक्शन में चेंज करने के लिए करते हैं। क्यों पंगे ले रहा है? ये ज्यादा बेटर नहीं है क्या? कोई कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी है इसमें। सर वो एक स्टेप में हो जाएगा सर, इसमें सर 2 स्टेप लगे हैं। चलो कोई बात नहीं, जैसे आपका मन करता है बेटा वैसे कर ले, ठीक है? कितना ओके सर, थैंक यू सर। कट करके कितना आएगा? सर मैंने तो सर डायरेक्ट कर दिया था सर, 24,000 आ रहा था सर। सही है 240, 240। इसको यस पूरा पूरा ये कट हो जाएगा, 240 आएगा। 240 × 100 रुपी 24,000, 24,000 इज द लिस्ट प्राइस, यही उन्होंने हमसे पूछा था। सिंपल है ना? यस सर। किसी को ये समझ ना आया हो बच्चे? नमन, बात वाला भी सेम है। आपने जीएसटी थोड़ा बहुत किया हुआ है बच्चे? यस सर, सेलिना से किया है। सलीना से किया है ना, फिर तो आ जाएगा समझ। यस सर। नाउ विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 7। नमन आप कहाँ से हो? सर उत्तराखंड, उत्तराखंड में कहाँ से? देहरादून। देहरादून। प्रॉपर देहरादून? यस ओके। मेरी एक स्टूडेंट है, वो यहाँ पे वो कर रही है डीएम, डीएम मतलब मेडिकल में। ओके सर।
एमबीबीएस के बाद उसने एमडी कर ली थी, मतलब एमडी एमडी करके डीएम कर लिया अभी तो। ओके सर। ये मेडिकल कॉलेज होगा है ना। सर पता नहीं है, मैं भी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ, आर्मी में मेरे पापा ना। ओके सेवन यस सर। सम। बठिंडा नहीं कभी शिफ्ट ना वो हुई ट्रांसफर है ना। नो बस सर, नो सर। यस चलो कभी ना कभी तो होगी बठिंडा में, क्योंकि सर। बठिंडा में एशिया का सेकंड नंबर का कैंट है सबसे बड़ा। ओके सर। हाँ जी सेवन सम। यहाँ पे आहिल यस सर। राधिका बाई क्रोकरी हैविंग मार्क प्राइस 4500, शी गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 12%। इफ द सीजीएसटी रेट इज 6%, फाइंड द अमाउंट शी इज रिक्वायर्ड टू पे फॉर द करेक्टली करेक्टली क्रोकरी। क्रॉकरी क्या क्या है दिमाग ना। फाइंड द अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, एसजीएसटी हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ यस पे सर। व्हाट इज दिस, 4500 इज द सर एमपी, मार्क 12% प्राइस इज द डिस्काउंट, 10 डिस्काउंट एसपी इक्वल एमपी माइनस 12% ऑफ एमपी। एमपी इज गिवन। तो एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था तुम्हें, सर 82 अपॉन क्या फॉरगॉट सर। डिस्काउंट इज 12%, देन हाउ वी कैन हाँ सर डायरेक्टली फाइंड द सेलिंग प्राइस। 82/100 इनटू 4500 हंड्रेड माइनस ट्वेल्व कितना होता है? हाय 82। हाय, सॉरी सर 82 को ऐसे डालने लग गया आजकल है ना आहिल, नहीं नहीं न्यू सर इन्वेंशन की है आहिल नहीं ने, ये 82 है, सर नहीं 88/100 इंटू 4500, टू जीरोज आर कैंसल, मल्टीप्लाई 88 विद 45, 8 5 40 कैरी, 40 एंड 32, 72 + 4 = 76 रुपी, 3960। थ्री इतने में सिक्स उसने सेल जीरो किया। अब एस सी जी एस टी परसेंट हमें गिवन है, 6% सर। एंड दे हैव आस्क टू फाइंड द एस जी एस टी, सिक्स एसजीएसटी इक्वल सीजीएसटी सर। परसेंट ऑफ 4500 होगा आपके, 3960 होगा, सर 3960 दैट इज सेलिंग प्राइस, बिकॉज सी जी एस टी एंड एस जी एस टी परसेंटेज आर सेम ना, तो उन्होंने सी जी एस टी तो फाइंड करने के लिए बोला नहीं है, उन्होंने एस जी एस टी बोला है, तो हम क्या करेंगे, 6% ऑफ दिस वन 6 3960 इंटू 3960, 10 इज कैंसल। अब टू के टेबल में मत काटना, सीधा मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगाएंगे, 6 6 36, 3 कैरी, 54 3 57, 5 कैरी, 18 5 23 अपॉन 10, तो दैट मीन्स रुपी 237.60, दैट इज अवर आंसर। सर। अंडरस्टूड? हाँ यस सर एक बात पूछनी सर। सर मैं गाना गा लिया था ना आपने सुना सर वो। हाँ हाँ सुना, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया कौन सी लैंग्वेज में गा रहा था, ठीक है सर कौन सी लैंग्वेज में गा रहा था। फ्रेंच सर। ओके, तेरे को फ्रेंच भी आती है? ठीक नहीं सर ऐसा वो अच्छा दिख रहा था इसलिए सर। है। नाउ अल्फिशा, तेरा यस सर। निकनेम क्या था? सफिया। सर सफिया। हाँ नहीं अल्फिशा ही ठीक है। एट सम बेटा, द यस सर। लिस्ट प्राइस ऑफ अ डेल लैपटॉप इज 84,000। लिस्ट प्राइस कितना है? 84,000। द डीलर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% क्या दिया डिस्काउंट ऑन द लिस्टेड प्राइस। ही आल्सो ऑफर 10% एडिशनल डिस्काउंट ऑन द बैलेंस। हाउएवर जीएसटी इज 28% चार्ज ऑन द लैपटॉप, फाइंड द टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट का दूसरा नेम क्या है अल्फिशा? अमाउंट ऑन विच द टैक्स विल बी अप्लाइड। और वी कैन से सेलिंग प्राइस, यस सर। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस, टैक्सेबल अमाउंट या सेलिंग प्राइस, दैट इज द सेम थिंग। अंडरस्टूड? द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी द कस्टमर हैज टू पे, टोटल जीएसटी कितना होगा, फाइनल प्राइस ही हैज टू पे टू द डीलर इंक्लूडिंग जीएसटी।
यहाँ इंट्रा और इंटर की कोई बात नहीं हुई है ना, ये यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया ना अल्फिशा कि वो यस सेम सर, स्टेट है कि अदर स्टेट से परचेज कर रहा है। तो यस सर। सर हम लोग पहले यहाँ पे डिस्काउंटेड, सर पहले हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस लगा लेंगे, फिर सर उस पर जीएसटी निकाल के सर टोटल हाँ, मतलब इसमें अमाउंट हेल्प IGST CGST SGST के चक्कर में नहीं करेगा। पड़ना, यस सर, अकेला GST बस, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है कि ये इंट्रा है कि इंटर है, दैट्स व्हाई। एक्सक्यूज हाँ जी बेटा, मी सॉरी। सर, एक बात पूछूं हाँ जी पूछिए बेटा। सर, जब इंटर या इंट्रा होता है सर, अगर इंट्रा होता है तो SGST इज इक्वल टू CGST हम लोग सर निकालते हैं, हाँ फिर जी लास्ट सर हम लोग लास्ट में तो उसको इंटू टू कर ही देते हैं, तो सर IGST तो वो हो ही गया। IGST नहीं हुआ ना बेटा, हमें यहाँ पे शो करना पड़ता है टोटल GST हुआ वो तो, ठीक है। IGST भी तो टोटल GST ही होता है, सर बस मतलब कान को सीधा पकड़ने की बजाय टेढ़ा पकड़ लिया उन्होंने, जानबूझ के वो इंट्रा डाल देंगे और कहेंगे GST फाइन करो। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा GST फाइन कर देते हैं, तो वहां पे क्या होगा, क्रॉस लग जाएगा और मार्क्स कट जाएंगे। बस एक प्रॉपर वे बना दिया सर उन्होंने, आंसर 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 सेम आएगा बच्चे, CGST प्लस SGST इज इक्वल टू टोटल GST, इक्वल हाँ सर, IGST के इक्वल होता है, बट इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट IGST इज जीरो। यहाँ पे शेयर की बात होती है कि स्टेट का शेयर कितना है, सेंटर का शेयर कितना है, समझे। यस सर, मान लो एक इंडिया है पूरा, उसने टैक्स सिस्टम चला दिया, स्टेट स्टेट ने भी तो अपना खर्चा चलाना है, तो वो कैसे निकालेगी, इसलिए हाँ तो सेंटर हाँ, मतलब इंट्रा के टाइम GST जो टैक्स कलेक्शन होता है, हाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास रह जाता है, हाँ सेंटर के पास चला जाता है, समझे। तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस कितनी है, 84,000। तो यहाँ पे बच्चे अब देखते हैं अल्फीशा ने 8 क्लास की है कि नहीं की, 8 क्लास में मैथ किया था अल्फीशा। यस सर, डिस्काउंट 1 हमें 20% दिया है, डिस्काउंट 2 हमें 10% एडिशनल डिस्काउंट दे दिया, इसलिए मैंने D1 D2 लिख दिया। इसका मतलब है डिस्काउंट 1 एंड डिस्काउंट 2। हाउ वी कैन फाइंड द सेलिंग प्राइस हियर, टेक 80/100 इनटू 84,000 इनटू सर नहीं 10/100। बच्चे दैट्स रॉन्ग। यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट 8 क्लास में किया था ना चैप्टर, यस सर, वहां पे सेलिंग प्राइस का हम फॉर्मूला लगाते थे क्या, 100 माइनस, जब दो डिस्काउंट होते थे 50 प्लस 30% डिस्काउंट, तो पहले 50 अप्लाई करना है, फिर 30 दो ब्रैकेट, 100 माइनस डिस्काउंट 1 अपॉन 100 इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट 100 माइनस डिस्काउंट 2 अपॉन 100 इंटू लिस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला याद रखना बच्चे, लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस इज द सेम थिंग। सर मैंने ऐसे ही किया आप 10 बोल रहे थे बेटा अल्फीशा, आप 10 बोल रहे थे लेकिन, बच्चे मुझे, हाँ सर सर लेकिन मैंने किया ऐसे ही था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, मैंने करा ऐसे ही है। 100 माइनस 20 80, 80 बाय 100, सेकेंड डिस्काउंट 10, 100 माइनस 10 90/100 90 अपॉन 100 इनटू द लिस्ट प्राइस 84,000। टू यस सर, जीरोज आर कैंसल, एक जीरो ये कैंसिल होगी, एक जीरो ये कैंसिल होगी। अब मल्टीप्लाई कर लो, 8 9 72, 720 इंटू 84, सर 60480। दिस वन इज द सेलिंग प्राइस। नाउ जीएसटी रेट इज गिवन हाउ मच, 28%। तो यहां पे जीएसटी इन रुपीज कितना आ जाएगा, 28/100 इनटू 60480। यस सेलिंग प्राइस का यस सर, 10 इज कैंसल। अभी इसको मल्टीप्लाई करके सीधा डेसिमल लगाएंगे हम, कितना आया मल्टीप्लाई करके, 84672। 67.20, लास्ट में जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यस यहाँ पे उन्होंने पहला पार्ट का आंसर टैक्सेबल अमाउंट, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है हमारा, यहाँ पे लिख दो चाहे टैक्सेबल अमाउंट। उसके बाद GST पूछा था एक्सक्यूज मी सेकेंड पार्ट सर, का। हाँ सर जी सर
सर जो 8 8 6 8 4 6 0 मैंने आंसर बताया 6 7.2 सर वो CGST है, इंटू टू करेंगे फिर उसके बाद सर टोटल GST निकलेगा। ऐसे कैसे निकलेगा? सर मैंने फर्स्ट CGST निकाला था फिर उसको इंटू टू करके फिर उसको टोटल GST निकाला है। यहाँ पे जो 28% गिवन है वो सीजीएसटी यस गिवन है? नो सर मैंने उसको 14% कर दिया था सर। यस बच्चे मैं अल्फिशा भी आपको एक चीज समझा रहा था, यहाँ सर पे इंट्रा मेंशन किया हुआ है, सेम स्टेट मेंशन किया है, नहीं तो सर मैं ये चीज समझा रहा सर हूँ। हाँ सर सर वो मैंने पहले परसों ही उसको सॉल्व किया था ना सर, अब समझ आ गया। अब समझ आ गए ना कि यस सर मतलब कभी भी अगर यहाँ पे मेंशन ना हो, हमें क्लियर ना हो कि वो इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है, एट दैट टाइम यू कैन कैलकुलेट ओनली जीएसटी। अंडरस्टूड? यस सेकेंड बात का आंसर हमारा ये आ गया 8,400, ये सीजीएसटी है बेटा, सीजीएसटी आया था ये तुम्हारा। यस सर सर इसको इंटू टू कर देंगे टोटल GST निकला है कितना आया? सर, टोटल GST इज 16934.4। 3,4.40, यस सर ये हमारा आंसर होगा बच्चे। और थर्ड पार्ट, फाइनल टोटल अमाउंट प्राइस। फाइन, जैसे उन्होंने लैंग्वेज लिखी है बेटा, उन्होंने फाइनल प्राइस लिखा है तो हम भी फाइनल प्राइस लिखेंगे। दिस यस सर वन प्लस दिस वन, फोर प्लस यस सर एटी 7 7 4 1 4.4 सेवन सेवन 1 4 1 4.40 40 नहीं बोलते होते कभी भी, दसवीं वाला सिंगल सिंगल डिजिट बोलते हैं, ठीक यस सर है। दिस इज अवर आंसर। आया समझ अल्फिशा? एक्सक्यूज किसी को डाउट हो बेटा मी इसमें? सर, हाँ जी लव, सर आपने ये पहले मतलब जो आंसर निकाला था उसको काट के आपने ये दूसरा आंसर क्यों नहीं लिखा आपने? बच्चे दूसरा आंसर नहीं लिखा, मैंने अल्फिशा से पूछ रहा था ना, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मुझे ये था इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा, बट अल्फिशा कहती नहीं ये सीजीएसटी निकाला था मैंने, ठीक यस है, सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बच्चा, ओके सर। समझे? और सर फाइनल प्राइस में अच्छा सेलिंग मैंने प्राइस, प्लस कर दिया। यस सर टैक्सेबल यस सर। अमाउंट प्लस जीएसटी। सर एक चीज और पूछनी थी कि हाँ जैसे जी ये अपन ने ये डिस्काउंट हाँ जी बोलो। में हाँ D1 और ये D2 का जो मतलब फॉर्मूला लगाया था, तो सर ऐसा ऐसा नहीं कर सकते थे कि D1 और D2 को प्लस कर दो तो 30% हो जाता? नहीं बच्चे, एक्चुअल में ये पता है क्या होता है, 20% 10% मतलब पहले 20% लगा के जो सेलिंग प्राइस आता है उस पे 10% लगता है। अरे कई बार ना ओके मार्केट में लिखा होता है 50% प्लस 50% डिस्काउंट, इसका मतलब हम फ्री में लेके आएंगे वो चीज। नो सर, वो क्या है, मान लो किसी चीज का रुपी रेट 100 रुपी है, उसका 50% 50 रुपी आ जाएगा, और 50 का 50% 25 रुपी, वो माइनस करेंगे तो 25 रुपी का हमारे को कॉस्ट करेगी वो चीज। यस सर, ओवरऑल यस सर, ओवरऑल परसेंट 75% होगा, ये 100 नहीं ओके होगा, सर, ओके सर, समझे? आ गया सर, नो ओके सर, नाउ वी विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 9। और बच्चे मुझे ये बताओ, काम सबने किया है, फर्स्ट 5 सम सबने किए थे नमन को छोड़ के, कोई यस सर ऐसा यस सर स्टूडेंट? सही सही बताना मुझे, गलत मत बताना, मैं कुछ नहीं सर कहूंगा। यस कोई सर ऐसा जिसने नहीं एक्चुअली सर नहीं किए? आहिल क्यों नहीं किए सर, बेटा? दो दिन से थोड़ा बाहर गया था सर, कुछ इवेंट्स थे इसलिए। चलो, और कोई स्टूडेंट? सबने किए हैं बच्चे, पुनीत, विशेष, यस समृद्धि, ऑल ऑफ यू? किसने? सर मैंने नहीं किया, माशा आशा, क्यों नहीं किया बच्चे? सर मुझे ज्योग्राफी का पूरा एक चैप्टर मिला था लिखने को बैठ के, उसके बाद देखो मुझे कल मैं, इंग्लिश लैंग्वेज का भी वर्क मिल गया था। मेरी बात सुनो, कल क्लास ऑफ हो गया था ना, 1 आवर था ना आपके पास एक्स्ट्रा टाइम? नहीं सर इतना ज्यादा होमवर्क देते हैं स्कूल में, टाइम ही नहीं मिलता, रात में 3 3 बजे तक वर्क ही करते हैं जाते हैं। ओके, पता क्या है बच्चे, अभी ये 2 3 साल ही है हार्डवर्क के, उसके बाद कोई अच्छा कॉलेज मिल गया उसके बाद किसी ने नहीं पूछना आपको, समझे? देखो मेरे अकॉर्डिंगली चलोगे तो
तो 100 out of 100 पक्का है। नहीं चलोगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा माशा, मेरा लॉस होगा कोई? बताइए, नहीं होगा ना मेरा कोई लॉस? हाँ सर, पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप ये तीन तीन बुक्स में से मैं करवाऊंगा आपको, अक्टूबर नवंबर तक खत्म करवा दूंगा तीनों बुक्स में से। बट कंडीशन इज दैट कि डेली का काम डेली, सॉरी ओके? सर, क्योंकि देखो, जो फर्स्ट 5 सम हमने किए थे वो सेलिना में एक भी सम नहीं था उस टाइप का नहीं था ना। जीएसटी परचेज के टाइम और था, सेल के टाइम और था, फर्स्ट 5 सम में हमने यही किया ना, तो कुछ नई चीज सीखने को मिली ना। सर अगर हम अकेला सेलिना पे ही बेस्ड रहे कि नहीं सेलिना ही करेंगे और कोई बुक नहीं करेंगे हम, तो ये सम कहाँ से करोगे आप जो इसमें एस चंद में आ गई है? तो ये भी आईसीएसई से रिलेटेड ही बुक, तो ये तो नहीं है कि दूसरी कहीं और से आ गई है। ये मत सोचो कि आपका सिर्फ सेलिना में से आएगा या एस चंद में से आएगा, किसी भी बुक में से आ सकता है। हमें सिर्फ टाइप्स पता होनी चाहिए कि हमें किस टाइप के सम, मतलब हर एक टाइप का सम आना चाहिए हमें, कि हमें ये टाइप का सम आता है, कहीं से मर्जी डाल दो हम रेडी हैं। एक्स्ट्रा सम क्या होते हैं? हम एक्स्ट्रा बुक रेफर करते हैं, क्यों करते हैं? यही रीजन होता है कि प्रैक्टिस के लिए। अभी जो सम कर रहे हैं वो सारे सेम है सेलिना वाले मेथड्स। नाइन्थ सम पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। यस अनिका, अनिका जिंदा हो? यस हाँ। मिसेस सरिता बाइज गुड्स वर्थ रुपी दिस फ्रॉम इजी डे स्टोर। इजी डे स्टोर से 6500 का गुड्स परचेज किया, शी गेट अ रिबेट। व्हाट डू यू मीन बाय रिबेट अनिका? सर, रिफंड, रिबेट, डिस्काउंट। रिबेट और डिस्काउंट इज द सेम थिंग। ऑफ 10% ऑन 5000 एज अ मेंबर एंड अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ ₹50 ऑन द रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है? और रिमेनिंग अमाउंट पे सिर्फ ₹50 मिला है उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इज द जीएसटी चार्ज 18%, फाइंड द टोटल अमाउंट शी हैज टू पे फॉर द गुड्स। देखो ये भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप, ज्यादा टफ नहीं है, टफ नहीं है मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। डिस्काउंट ओवरऑल अमाउंट पे नहीं है, सिर्फ 5000 पे है। तो यहाँ पे ना डिस्काउंट हम अलग से फाइंड करेंगे, इसमें सीधा सेलिंग प्राइस नहीं निकालेंगे हम, डिस्काउंट अलग से फाइंड करेंगे, ठीक है अनिका? यस सर, क्या खाया था? गला खराब कर दिया? सब हो रहा था, कुछ नहीं खाया। हाँ अकेले अकेले आइसक्रीम खा ली होगी। नहीं सर, डिस्काउंट 10% ऑन 5000, ऑफ 5000 प्लस ₹50, बस ये चीज समझ आई बच्ची मैंने क्या किया? जैसे उन्होंने मेंशन किया था, कहते फर्स्ट 5000 पे 10% है एंड एडिशनल ₹50, 10/100 इंटू 5000 प्लस 50, 2 0s आर कैंसल, 50 × 10 500 500। प्लस 50, मतलब ओवरऑल डिस्काउंट इज ₹550। नाउ सेलिंग प्राइस और डिस्काउंटेड वैल्यू और टैक्सेबल अमाउंट इज हाउ मच? 6500 -550। माइनस कीजिए 0, 10 - 5 5, 4, 14 - 5 9, कितना? 5 9 नॉट सिक्स। ये 5 में दिस वन, अब जीएसटी चार्ज इज गिवन 18%, फाइंड द टोटल अमाउंट ही हैज टू पे। अब ये इजी डे एटीन स्टोर, मेरी बात सुनो, इजी डे स्टोर कहीं पे भी हो सकता है ना, ये थोड़ा है कि उसी स्टेट में, कहीं और से भी ले सकती है वो, या इंट्रा या इंटर कोई क्लियर नहीं हो रहा ना। यस सर, मान लो मैं गाजियाबाद आया हूँ, वहां मैं इजी स्टोर में चला गया, पर मैं रिलेटेड रिलेट्स टू पंजाब ना, यस सर, तो मैं क्या मतलब होगा?
तो यहाँ पे IGST निकालेंगे, है ना? पक्का? यस सेम स्टेट भी तो हो सकता है अन्निका। सर सर कॉमन 18% ऑफ सर, आई आई लेक जी आइल। एक मिनट बच्चे, मुझे क्लियर करने दो उसको। अनिका, हाँ सर, अगर सर कॉमन डिफरेंस से, 18% ही लेंगे हाँ यहाँ पे क्लियर नहीं है ना कि कौन से स्टेट में यस। से ट्रांजेक्शन हुआ, सेम स्टेट में हुआ कि फ्रॉम डिफरेंट स्टेट हुआ, तो दैट्स द रीजन यहाँ अकेला जीएसटी फाइन करते। जीएसटी इन रुपीज 18%, मतलब 18/100 ऑफ 5950। यू कैन कैलकुलेट दिस वन। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, थोड़े से हम जल्दबाजी में करवाऊंगा। जीएसटी निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस में ऐड कर देना, यू गेट द आंसर। वो हमारा बिल अमाउंट आ जाए। समझ गए बच्चे? अनिका यस के सर, बाद, इसमें सर जो हाँ इसमें जी, डिस्काउंट दिया है 10% का, उसमें सर एमपी पहले मार्केट प्राइस में निकाल करके जो रिमेनिंग जो बचेगा 6000, उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते 50 रुपीज से, तो भी सेम ही आंसर बच्चे आएगा। बच्चे आप डिस्काउंट को अलग से ही फाइन कर दिया ना मैंने, इसीलिए क्यों कंफ्यूज करते हो अपने आप को कि तो 500 पहले इसमें से माइनस करेंगे, फिर 50 माइनस करेंगे, वो एक ही बात है, दैट द सेम थिंग। यस सर, दैट इज द थिंग आई एम सेइंग मैंने, ना। हाँ, मैंने 550 सीधा उसमें से माइनस किया, आप पहले 500 कर रहे हो फिर 50 कर रहे हो, सर यस सर। आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो ये ज्यादा बेटर है कि हम डिस्काउंट पहले फाइन कर लें सारा का सारा। ओके सर, ओके, ओके सर। नाउ अरोश 10 सम, अ यस सर, रिटेलर मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20% अबव द लिस्ट प्राइस। जितना लिस्ट प्राइस था उससे 20%, मतलब चीट किया उसने, उसको रब करके प्लस 20%। 20% मार्क करके कर दिया उसने, और उसके बाद दो डिस्काउंट दे दिए सक्सेसिव डिस्काउंट 10 एंड 5, D1 D2 वही सम एंड यस मार्क सर, ऑन द मार्क प्राइस जो मार्क किया था उसने। जीएसटी रेट इज 18% ऑन द गुड्स, फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इफ द कंज्यूमर पे रुपीज, दिस एज सीजीएसटी, सीजीएसटी पेड इज दिस वन, आल्सो फाइंड द फाइनल प्राइस कंज्यूमर हैज टू पे फॉर द गुड्स। हाँ जी, सबसे पहले अब इस क्वेश्चन में हम किसको ऐड करेंगे आरोश? सर हम लिस्ट प्राइस को लेट करेंगे, मार्क प्राइस को लेट करेंगे, प्राइस रुपी एक्स। मार्क प्राइस कितना हो गया जो उसने मार्क किया था, या न्यू डाल ट्वेंटी देना बस, परसेंट हाँ सर, सीधा भी कर सकते हैं ना, जैसे डिस्काउंट माइनस करते हैं हम, यस सर, हाँ अब सर, कर दिया तो 100+20 120, चाहे तो आप एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स कर लो, या 120% ऑफ एक्स कर दो। ओके सर, समझ गए बच्चे? रुपीज सिक्स एक्स अपॉन 5 इज द मार्क प्राइस। नाउ D1 10 एंड 5 गिवन है ना हमें, आर गिवन 10 एंड 5, 10%। D2 इज गिवन 5%, सेलिंग प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट 1 अपॉन 100, 10%, नेक्स्ट ब्रैकेट 100 100 माइनस 5 बाय बाय 100 100 इंटू एक्स होगा कि 6x/5 होगा? सर, 6x/5 यस दिस वन। यहां से हमारे पास आ गया 90/100 इंटू 95/100 इंटू 6x/5। एक जीरो कट कर दो, 5 की टेबल पे ये काट दो, 19/5 95, इसको कट करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे रख लो। 9×6 54 इंटू 19, 9×4 36, 3 कैरी, 45×4 49 3 52, 5 कैरी, 5×5 10, 1026। 513/500 क्या क्या क्या? सर, 513x/500 से मैंने किया है सर। यार 5 तो कट कर दिया ना, ओ सर सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, सेलिंग प्राइस आ गया। अब सीजीएसटी फाइन करने के लिए बोला उन्होंने, सॉरी क्या दिया, सीजीएसटी गिवन है। जीएसटी रेट कितना दिया हमें?
18% सर। 18%। CGST in rupees are given. That is how much is given? Rupee 4617. CGST percentage. Sir, में CGST. 9% of yes, very good. 1026 by 1000x is equal to 4617. From here you can find the value of x. Yes or no? Yes, sir. और उन्होंने ये फाइंड द फाइनल प्राइस कंज्यूमर हैज टू पे, लेस प्राइस निकल जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उसको यहां पे फिल कर देना, नहीं यहां पे सॉरी सेलिंग प्राइस में बेटा, मान न्यू मार्केट प्राइस पर तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यहां फिल कर देना प्लस दिस प्लस दिस, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, एसजीएसटी भी तो यही होगा ना जो हमें गिवन है सीजीएसटी, यस सर, तो एक्स की वैल्यू आएगी, यहां फिल कर देंगे हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी, प्लस जो है यहां से सेलिंग प्राइस आ जाएगी उसमें 4617 प्लस 4617 दैट इज द फाइनल प्राइस, समझ गए? यस सर। दैट कंज्यूमर हैज टू पे। यस सर। हां जी बेटा आप बोलो सर। 10th के लिए मैं कौन से क्वेश्चन बैंक्स खरीदूं सर? तो अभी 10th में हुआ है कि फ्रंट एंड की फाइनल दे रहा है अभी? सर मतलब प्री प्रिपरेशन के लिए सर। नहीं प्री प्रिपरेशन के लिए मैं करवा रहा हूँ ना तेरे को, अभी कुछ ना पंगे ले, ये सब तो नहीं तू सर, करता नहीं है, फर्स्ट मैथ्स फाइव का सम, फाइव सम दिए थे वो तो तूने किए नहीं, सर मैथ्स का नहीं सर, दूसरे सब्जेक्ट का सर, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री। उसके लिए टाइम मिल जाएगा है तेरे को, माशा। यस सर। अनिल वेंट टू ए शॉप टू बाय बाइसाइकिल कॉस्टिंग रुपी दिस, इतना कॉस्ट है उसका, द रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9, टोटल जीएसटी कितना हो जाएगा? 18 18%। ही आस्क द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल टू सच एन एक्सटेंट सो दैट ही हैज टू पे ओनली दिस एज इंक्लूसिव जीएसटी, दिस इज अ इंपॉर्टेंट वन। उसने शॉपकीपर को बोला जो ये प्राइस है इसको इतना कम कर दो कि जीएसटी के साथ इंक्लूड करने से हमारा ये अमाउंट बने, फाइंड द रिडक्शन नीडेड इन द प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल, रिडक्शन नीडेड हमें फाइंड करनी, हाउ वी कैन फाइंड? न्यू प्राइस को हम एक्सलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है माशा? यस सर। सो 118% ऑफ दैट प्राइस देन वी विल फाइंड, लेट रिड्यूस्ड प्राइस लिख देते, रिड्यूस्ड प्राइस बी रुपी एक्स। अब उसने क्या बोला है कि एक्स प्लस 9% सीजीएसटी है ना, सीधा 18% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10620। ये चीज समझ आई बच्चे? मार्शा ने 118% ऑफ एक्स लगाया था, वो भी करेक्ट है, दैट इज नॉट रॉन्ग। एक्स की वैल्यू यहां से फाइंड कर लोगे, बताइए? यस सर। मार्केट प्राइस हमें कितना गिवन था? रुपी 10620। रिडक्शन इन प्राइस कैसे फाइंड होगा? जो एमआरपी था उसमें से एक्स की जो वैल्यू आएगी वो माइनस कर देंगे, वो उतना रिड्यूस कर दिया उसने प्राइस बाइसाइकिल का, करोगे फाइंड अपने आप? yes, मैथड बता दिया आपको, कैलकुलेशन पार्ट रह गया वो आप खुद ट्राई करना, अंडरस्टूड? यस सर। यस हाँ सर। लव? यस सर। हाँ जी, 12th सम में हमें क्या दिया है? द प्राइस ऑफ ए मोबाइल फोन इज दिस 32,000 इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मीनिंग लव? सर नहीं पता। इंक्लूड? ओके सर। ऑफ 28% जीएसटी, मतलब ये जो है वो फाइनल बिल अमाउंट है, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी है ये। विनीता आस्क्ड फॉर ए डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस सो दैट आफ्टर चार्जिंग द जीएसटी द फाइनल प्राइस बिकम लिस्ट प्राइस, सेम टू सेम क्वेश्चन है ये, जैसे 11th सम किया है ना 12th सम सेम है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो यहाँ रिडक्शन थी वो डिस्काउंट ही था एक टाइप से, यहाँ पे भी वही
मतलब जो लिस्ट प्राइस है उसमें से न्यू लिस्ट प्राइस, रिड्यूस्ड लिस्ट प्राइस हम माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा। अमाउंट ऑफ एसजीएसटी ऑन डिस्काउंटेड वैल्यू, जो डिस्काउंटेड वैल्यू आएगी उस पे 14% ऑफ जीएसटी निकाल देंगे, वो हमारा एसजीएसटी आ जाएगा। समझे बच्चे? यस सर। ट्वेल्थ सम करोगे अपने आप? ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बच्चे। सर मैंने 12th वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की सर ट्राई किया था सर, ये आंसर गलत निकल रहा था। चलो अल्फीशा ना अभी मुझे ये सम करवाएगी, ठीक है अल्फीशा? यस सर। लिस्ट प्राइस हमें दी है 32,000 रुपी, रिड्यूस प्राइस हम एक्सलेट कर लेते हैं, यस सर। रुपी एक्सलेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला शॉपकीपर को कि जीएसटी इंक्लूड करने के बाद मुझे ये इतना पे करना पड़ेगा। यस सर। सॉरी 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 सॉरी, सर इंक्लूड करने के बाद उसकी लिस्टेड प्राइस होनी चाहिए। ये बच्चे इंक्लूज है, इंक्लूड है, इंक्लूसिव है ना ये सर। सर लिस्ट प्राइस। एक्स पे इतना ऐड करें कि वो 32,000 हो जाए जीएसटी। एक मिनट बच्चे, नहीं थोड़ा रॉन्ग हो गया, क्वेश्चन डिफरेंट है, ये 11 जैसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंट हो गया। वहां पे मार्क प्राइस दिया था, दिस इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं था। अब हमें क्या दे दिया कि इतने में सेल कर रहा है वो इंक्लूडिंग जीएसटी, तो यहाँ पे ओरिजिनल ओरिजिनल लिस्ट राइट, प्राइस को हम एक्सलेक्ट करेंगे, ठीक है? यस सर, एक्स प्लस 28% ऑफ एक्स, इज इक्वल्स टू 32,000। हाँ समझ गई। हाँ सर, लेकिन सर फिर भी आंसर नहीं निकल रहा था सर, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो सर्च किया था, तो सर उसमें आपके लास्ट वीडियो में आपने कहा कि क्वेश्चन गलत है। आंसर गलत हो सकता है, क्वेश्चन गलत नहीं है, आंसर गलत हो सकता है, समझे? हाँ उन्होंने यहाँ सर आपने लास्ट बार आपने अपने क्वेश्चन में से जो लाइक 32,000 है उसको चेंज करा दिया था। नहीं, चलो हम यहाँ पे निकालते हैं, 32,000 है ना जो, ये यस सर। एक्सक्लूडिंग ही होगा, 11 सम की तरह ही होगा वैसे मेरे को लग रहा है। आंसर चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हमारा कुछ क्या कौन सा कुछ जाता है। 38x, 100/128 यस सर, 4 के लेवल पे काट इट्स देते हैं, इक्वल्स टू 32। 25,000 क्या क्या क्या, सर, एक्स इज इक्वल्स टू 25,000। यहाँ 25 आ जाएगा, यस 25,000, 250 आएगा, 25,000, ये लिस्ट प्राइस आ गया ओरिजिनल। ओरिजिनल लिस्ट प्राइस में उसने क्या बोला कि मुझे डिस्काउंट दो, कितना परसेंट डिस्काउंट, सर, लेट द डिस्काउंटेड प्राइस बी वाई। लिस्ट प्राइस आ गई, लेट रिड्यूस प्राइस, यस सर। इसका आंसर अभी पता चल जाएगा मुझे। 12th का आंसर क्या दिया है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 7,000 दिया है, ठीक है सही है, विच इन गॉट फ्रॉम द शॉपकीपर। रिड्यूस प्राइस को हम रुपी वाई ले लेते हैं, यस अब सर। वाई माइनस सॉरी प्लस 28% ऑफ वाई इज इक्वल टू 25,000। उसने तो रिड्यूस प्राइस थी जो हाँ ओरिजिनल, सर, कि वन मतलब हंड्रेड टैक्स ट्वेंटी जोड़ एट के, टैक्स हाँ सर जोड़ के ये बने सर वाई इज ट्वेंटी इक्वल एट टू 25,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाई। 128। यस सर। सो सर यही मैंने भी किया है सर, लेकिन आंसर नहीं निकल रहा है सर। 1953, 1.25 आ रहा है आंसर। चलो ठीक है कोई बात नहीं, रॉन्ग है। अब मैं ये जो है ना, ये वाला पार्ट है, यस सर। ये जो सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन में पता है कहाँ चेंज करो, जो इंक्लूसिव लिखा हुआ है ना हाँ सर। यहाँ, ये छोड़ ही दो, जैसे इसको कट कर दो, मतलब सेम टू सेम जैसे 11 सम किया है ना, सेम 12 सम करना पड़ेगा हम। लिस्ट प्राइस ये इंक्लूसिव ऑफ 28% लिस्ट प्राइस, ये छोड़ दो बस,
जीएसटी 28%। हाँ जी सर ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है क्या सर? क्वेश्चन रॉन्ग है, इंक्लूसिव कट करो ना, ये सिर्फ लिस्ट प्राइस है, इंक्लूसिव नहीं है। सर इंक्लूडेड मैं भी सर नहीं। सर निकाला था सर तो गलत आ रहा था इसीलिए सर चलो मैं इसको ना उससे ही सॉल्व करके दिखाता हूँ। समझ में आ गया सर अब हो जाएगा 11 के सेम हो जाएगा अब तो। कोई कि ऐसा स्टूडेंट बेटा जिसको ना समझ आया हो 12th सम, बोलिए। सर सो इफ 12th सम इज सिमिलर टू 11th सम देन वी विल सॉल्व इट सर। या सेम टू सेम, ओके सर। यहाँ हाँ बस सर सॉल्व कर इंक्लूसिव लेंगे। जरूर कट कर लेना, अगर इंक्लूसिव होता है जैसे मैंने करवाया था वैसे होगा, अदरवाइज ऐसे। नेक्स्ट हाँ सम नमन, यस सर। ये कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ अ कैलकुलेटर इज 900। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी बड़ी उसको 900, एंड यस जीएसटी इज 18%। जीएसटी उसको 18% 18%। पड़ा। ही मैन्युफैक्चर 120 सच कैलकुलेटर, कितने कैलकुलेटर बनाए उसने 120। ही 120 मार्क अप ईच बाय 50%। 900 का 50% 450, 1350 उसने कॉस्ट कर दिया एक को, एंड सोल्ड टू डीलर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। कितने डिस्काउंट पे? 10% डिस्काउंट पे डीलर को सेल कर दिया। फाइंड द फाइनल प्राइस डीलर पेड फॉर द कैलकुलेटर, ऑल्सो फाइंड द टोटल जीएसटी रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एसजीएसटी निकालना है, स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला। हाँ जी, सबसे पहले एक कैलकुलेटर पे हम फाइंड करेंगे, ओनली वन कैलकुलेटर। ओके 120 कैलकुलेटर को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैलकुलेटर, मैन्युफैक्चर्ड वन कैलकुलेटर इज रुपीज एन। सर ऐसा सिमिलर हमने शेयर्स एंड डिविडेंड्स वाले चैप्टर में किया था ना सर, एनवी ऑफ वन चैप्टर आई मीन कोई बात शेयर, नहीं चलो वैसा यहां पे आ सिमिलर जा है ना तू सर। बस वापस आ जा, टाइम ना वेस्ट करवाया कर मेरा, टाइम सर आप बहुत वेस्ट कर वैसे रहा। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वन कैलकुलेटर इज दिस वन, जीएसटी पेड 18%, हर एक स्टेज पे ही होगा ये 18%। मार्क प्राइस कितना कर दिया उसने एक कैलकुलेटर पे? 900 प्लस 50% अबव, 50% ऑफ 900 होगा ना नमन, बताइए नमन माइक ऑन करो। यस सर 900 प्लस 50%, 50/100 इनटू 900, यस टू सर जीरोज आर कैंसल, 900 प्लस 450, 9 4 13 रुपी 1350 इज द मार्क प्राइस। ये हमारा मार्क प्राइस आ गया बेटा। यस सर अब उन्होंने क्या बोला? डिस्काउंट दे दिया, कितना? 10% दे दिया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? और वन कैलकुलेटर बताइए बच्चे। नमन हाउ वी कैन यस कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस बच्चे? 10% डिस्काउंट है ना, यस हंड्रेड सर में से 10 माइनस करो कितना आ जाएगा? 90 90% ऑफ 1350, 90/100 इंटू 1350 यस इसको सर कट करो। लुक मेरी बीच में आ गई। जीरो जीरो आर कैंसल्ड, 9 5 45, 4 कैरी, 27 4, 31 3 कैरी, 9 3 12। उसने एक कैलकुलेटर इतने में सेल किया। फाइंड द फाइनल प्राइस डीलर पेड फॉर द कैलकुलेटर। तो फाइन जीएसटी कितना है? 18% ना, यस सर जीएसटी इन रुपीज 1215 इंटू 18/100 है ना, यही होगा। यस फाइव सर की डेल पे कट कर, 5 2 10, 5 4 20, 5 3 था, यहाँ पे 20 आ गए, 10 या 9 आ गए। 9 3 27, 2 कैरी,
36 to 38, 3 carry, 18 3, 21 upon 10. तो GST in rupees, we get rupee 218.70. This is the GST. समझे बच्चे? Yes, so, fine. Dealer has to pay for one calculator. Has to pay for one calculator. Selling price plus GST. 1215 plus 218.70. ये होगा बच्चे? Yes, बताइए, ऐड करो 0.70, 8513, 1 carry, 2 3, 2 4, 1. इतने रुपीज आ गया एक कैलकुलेटर. और कितने कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर किए थे उसने? 120. 120 के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 120 इंटू दिस, मल्टीप्लाई करो इसको, देखते हैं कौन सबसे जल्दी पहले बताता है इसको मल्टीप्लाई करके. किसे मल्टीप्लाई करना सर? इसको 172044. 172044. यस सर, सर मैंने दूसरे yes, मेथड किया था पहले ही, 120 मल्टीप्लाई करके, तो यही आया. एक मिनट बेटा. हेलो, हाँ जी, ये चीज बच्चे, फाइंड द फाइनल प्राइस डीलर पेड फॉर द कल. फाइनल प्राइस तो यही होगी, आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा. अगर मैं जीएसटी ना ऐड करूं तो भी डेसिमल में आंसर आ रहा है इनका, तो डेसिमल में तो आएगा ही नहीं. आई थिंक सो इसका आंसर रॉन्ग है. यस सर, ठीक है, हमने क्या किया, थोड़ा इजी करने के लिए सिर्फ एक कैलकुलेटर पे फाइंड कर लिया सेलिंग प्राइस. ये आ गया हमारा 50% अबव मार्क, अप ईच बाय 50%. 50% अबव किया तो वो तो 900 का ही होगा ना, 50%. ठीक है, 135 आएगा, नहीं 1215 1350, ये मार्क प्राइस आ गया. इस पे 10% डिस्काउंट दिया तो ये आ गया हमारा, आ गया. इस पे हमने जीएसटी निकाल दिया, वो इतना आ गया. इसको इसमें ऐड कर दिया, ये एक कैलकुलेटर के लिए उसने पे किया इतना अमाउंट, ये कैलकुलेटर के लिए पे किया. उसके बाद इसको 120 से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि 120 मैन्युफैक्चर किए थे, तो ये आंसर आना चाहिए था, बट पीछे आंसर रॉन्ग दिया है. समझे बच्चे? बट आपका प्रोसीजर करेक्ट है ना सर? मेथड आप खुद सोचो, आपको भगवान ने सिर दिया है, उसके अंदर दिमाग दिया है, आप खुद अप्लाई करके देखो कि यही होगा. हाँ जी सर, फोर्थ सम में ऐसे ही था, टाइप ए और टाइप बी का, तो हम लोग टोटल अमाउंट पे वो जीएसटी निकाल लेते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं. हाँ जी, हाँ जी, टोटल निकाल लो. ठीक है, एक के ये आ गई इनटू 120, यही पे कर दो, उसमें निकाल लो 28%, सॉरी 18%. सर फोर्थ सम में हम लोग पूरा सारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे. मुझे एक बात बताओ, आप कोई चीज लेने चले गए मार्केट में, एक बुक आपको जीएसटी समेत 100 रुपी में पड़ रही है, 5 बुक्स कितने की पड़ेंगी? 500. फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, चाहे तो आप 500 पे, मतलब जो फाइनल अमाउंट पे जीएसटी लगा लो, चाहे एक पे लगा लो. एक पे लगा के हमने एक बुक का सेलिंग प्राइस निकाल लिया, उसमें 18% जीएसटी ये आ गया, उसको इसमें ऐड कर दिया तो वन कैलकुलेटर का कॉस्ट आ गया. इसको 120 से मल्टीप्लाई किया एंड गेट द आंसर, तो 120 कैलकुलेटर की कॉस्ट हो गई ना बेटा ये. एंड फाइंड द टोटल जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट का ये भी देख लेते हैं, इसका आंसर भी चेक करके कि क्या आ रहा है. जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एसजीएसटी, कितना रिसीव होगा? 9% ऑफ जितना ये अमाउंट आया,
दिस वन 172.0044, दोनों से एक वो आंसर है और ये आंसर है, दोनों से निकाल के देखें। ठीक है, कितना आया था? 172.044। सर इस पे क्यों लगाएंगे हम, सेलिंग प्राइस पे होगा ना। ओ सॉरी 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 सॉरी, एक काम करो, जितना हमारे पास जीएसटी आया ना, इसका हाफ कर दो और ज्यादा इजी हो जाएगा, समझे? 109.35 इंटू 120 करो, 109.35, 13। 1 2 1 2 2 1 2 2 हाँ ये भी ज्यादा आ रहा है हमारा, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, आंसर के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नहीं है, जो हमारा आंसर है वही है सही। अंडरस्टूड, समझ आया बच्चे? हमारा यस सर ना टाइम यस हो गया, सर। अभी मुझे एक बात बताओ, चलो 13 तक ही कर लो, कल एक दिन और लगा लेते हैं इस चक्कर से, ठीक है? हाँ सर सर हमारे में सर एमएल अग्रवाल में सर आज बैंकिंग चैप्टर करवाया गया था सर, तो उसमें लास्ट टर्म में सर एक इक्वेशन बन रही थी सर बैंकिंग में सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी टाइम हो गया मेरी नेक्स्ट क्लास का, कल पूछना बच्चे ने, या स्टार्टिंग में पूछा करो, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है बच्चे, ओके, टाटा बाय बाय। अच्छा।